नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, खास तौर पे महिलाओं को लेकर, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं सनातन धर्म को अपना रही हैं, घर वापसी कर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्हीं कुरीतियों की वजह से बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियां, ये कहें महिलाएं, फंसी ही जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर से आया है। वो लड़की जो है वो रहने वाली तो यमुनानगर की थी, लेकिन कुछ 7-8 साल पहले उसका जो विवाह यानी कि उसका जो निकाह था वो एक लड़के से हो गया जो कि सहारनपुर का रहने वाला था। उसका परिवार सारा सहारनपुर का यानी कि यूपी का रहने वाला था। अब होता ये है कि 7-8 साल पहले इस महिला का विवाह होता है सहारनपुर में, और वहां पर जिस व्यक्ति से इसका विवाह होता है लगभग उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बाद 10 अगस्त 2022 को ये व्यक्ति इस महिला को तलाक दे देता है, वो भी उस तरीके से जो कि 3 तलाक जिसे कहते हैं। हालांकि 3 तलाक को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, उसके बाद भी इस समाज में ये 3 तलाक की प्रथा अभी भी चलती आ रही है। 3 तलाक देने के बाद महिला अपने घर यानी कि यमुनानगर वापिस आ जाती है। ये जो आरोपित पति है ये सहारनपुर की नई मंडी का रहने वाला है। अब 22 अप्रैल 2023 को ये जो पत्नी है या ये जो महिला है ये अपने शोहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है, जिसमें ये कई तरह की धाराएं लगवाती है, जिसमें दहेज उत्पीड़न की लेकर और मारपीट की कई सारी धाराएं लगवाती है। अब इस केस के बाद 4 सितंबर को ये जो शोहर है ये अपनी बीवी को मनाने के लिए और केस को वापस लेने के लिए इसके पास आता है, और लगभग समझौता भी हो जाता है, केस को वापस ले भी लिया जाता है। अब होता यह है कि 2 अक्टूबर को फिर से इसका जो पति है ये इस महिला के पास आता है। महिला के पास आने के बाद उसके बाद इससे बहुत ही प्यार भरी, मोहब्बत भरी बातें करता है और इसके साथ एक दिन एक रात का संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद ये महिला को लेकर सहारनपुर लौट जाता है, वहां सहारनपुर ले जाता है। सहारनपुर ले जाने के बाद 4 तारीख को इस महिला का जो देवर होता है वो भी इस महिला के साथ दुष्कर्म करता है। जब इस दुष्कर्म की बात उठाई जाती है इस महिला के द्वारा तो उसको हलाला का नाम दे दिया जाता है। इस बात पर ये जो लड़की है, ये जो महिला है, ये अपनी सास के पास भी जाकर बात करती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दुष्कार्य किया गया है, और सास भी इस बात की हामी भरती है और कहती है कि हाँ ये हलाला हुआ है और इस बात के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो और कहीं भी बात को बाहर मत निकालना। हलाला और 3 तलाक की ऐसी कुरीतियां हैं जो वहां की महिलाओं को अपना पंथ छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अधिकार के खिलाफ भी हैं। जो महिलाएं चाहती हैं वैसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, लेकिन कम से कम हलाला और 3 तलाक पर तो रोक हो सकती है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।